तो हाय गाइस दोस्तों, व्हाट्सअप। तो कैसे है, फिर से आ गया नया वीडियो नया ब्लॉग के साथ। तो देख पाएंगे आज हम लोगों के पास जैसे सीलिंग फैन दोस्तों, तो इसका कॉइल जल गया था दोस्तों। तो मैंने मार्केट से कॉइल इसको रिपेयर करके दोस्तों लाया हूँ, रिपेयर करके दिया था दोस्तों कॉइल। तो इसका बैरिंग दोस्तों देख पाएंगे, तो ये बैरिंग हम लोग का काम कर रहा है। तो ऊपर वाला जो बैरिंग था दोस्तों, वो हम लोग को लेने पर आ गया, वो वाला ख़राब हो गया था। वाला बैरिंग दोस्तों अच्छा देख पाएंगे, मैंने वॉश किया है। तो मार्केट से दोस्तों कॉइल लेके आया था, सबसे पहले बैंक दिखा देता दोस्तों। तो देख पाएंगे ये आपको मार्केट से 40 या 50 रुपया का मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। 40-50 तो दोस्तों मिल ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 40-50 का दोस्तों अच्छा अंदर मिल जाएगा, 40-50 के अंदर दोस्तों। तो मार्केट से मिल जाएगा दोस्तों, तो इसको ले लीजिएगा। अगर आपका बैरिंग दोस्तों अच्छा है तो कोई बात नहीं, उसको वॉश करके चला सकते। तो आपका बैरिंग अच्छा रहेगा तो आप मान लीजिए दोस्तों का उसके काम चला लेगा। तो दोस्तों दूसरा बैरिंग कैसे नहीं लगेगा दोस्तों, देख पाएंगे। जैसे मैंने अगर कुछ कर रहा तो ऊपर में लगेगा, देख पाएंगे दोस्तों। ऐसे मैं बैठा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा ग्रीस ले लेंगे। तो ग्रीस का डब्बा लाया, इसका बैरिंग ऊपर का मुँह देख पाएंगे दोस्तों कैसा है। तो अभी देख लीजिए, तो हम लोग सबसे पहले ग्रीस लगा लेंगे दोस्तों ऊपर का अंदर से। ऐसे ग्रीस लगा रहा हूँ, चलिए ग्रीस लगाने के बाद आपको दोस्तों दिखा रहा है दोस्तों। ग्रीस लगाने के बाद आपको दिखा रहा है क्या करना है दोस्तों, ग्रीस लगाते हैं। तो दोस्तों दोनों साइड ग्रीस लगा लिया, दोनों बैरिंग के अंदर दोस्तों देख पाएंगे। तो अब इसका ढांचा दोस्तों उसको लगा लेंगे, और जो पहले वाला दोस्तों बैरिंग था उसके ऊपर ग्रीस लगा, हल्का कोई चीज़ से प्रेस करिएगा तो अंदर बैठ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका ढांचा लगाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो कॉइल है दोस्तों, कॉइल को लगा लेंगे सब साइड में करते इसको। तो देख पाएंगे दोस्तों हम लोग अभी कॉइल, तो देखिए हम लोग का कॉइल जल गया था दोस्तों। तो कॉइल हम दोस्तों लोग आए मार्केट से बना के दोस्तों, देखिए पुराना कॉइल है। कॉइल का नंबर भी दोस्तों दिखा देंगे, देखिए दोस्तों 3635 90, ठीक है दोस्तों देख पाएंगे 3590 हमारे कॉइल का मॉडल है दोस्तों। तो अभी इसको क्या करें, तो सूख गया दोस्तों मार्केट से लाने के बाद। तो अभी तो दोस्तों देख पाएंगे, तो अभी इसको बैठा लेंगे। बैठने पहले दोस्तों हम लोग का जो वायर है दोस्तों, तीन वायर है, दो ब्लू एक रेड कलर का दोस्तों। तो वायर को दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकल के जो हम लोग का पाइप है उसके अंदर से तो कुछ निकालना पड़ेगा, नहीं तो तार हम लोग का वायर दोस्तों कट जाएगा। तो सबसे पहले वायर निकल गया, सबसे आसान तरीका दोस्तों देख पाएंगे। तो सबसे पहले इसको दिखा दोस्तों, ये करेंगे तो आपका वायर कट जाएगा दोस्तों, को आपका वायर खराब हो सकता है दोस्तों, कट भी जाता है, कट सकता है आपका वायर दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, सबसे पहले कोई लंबा तार दोस्तों ले लीजिएगा, देखिए जैसे वीडियो में दिखा रहा है मेरे पास अभी लंबा तार, देखिए दोस्तों ऐसा कोई लंबा तार अंदर में घुसाना दोस्तों। उसके बाद नीचे जो हम लोग का छेदा है दोस्तों, वहाँ से बाहर निकालना, ठीक है दोस्तों। आपको दिखा रहा है वीडियो में, पूरा देख लीजिए दोस्तों। तो हम लोग वायर दोस्तों घुसाएंगे, वायर घुसाने के बाद दोस्तों हम लोग का नीचे दोस्तों छेदा है, तो उससे बाहर निकलने के बाद हम लोग का तीनों जो वायर होगा एक साल लगा के दोस्तों बाहर खेल लेंगे। इससे बहुत जल्दी होगा, टाइम भी बच जाएगा दोस्तों, बहुत आसानी भी होगा, देख पाएंगे। तो हम लोग आवाज जैसे देख लीजिए यहाँ से आ रहा है दोस्तों, देख पाएंगे। तो उसको भी निकाल लेंगे, देखिए कैमरा मैन थोड़ा लेके आया है, देखिए दोस्तों। तो उसको भी बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकलने के बाद दोस्तों हम लोग जो तीन वायर है दोस्तों, दो ब्लू और एक रेड कलर का, तो उसको दोनों एक साथ कर लेंगे। वीडियो थोड़ा रुक जा रहा 20 मिनट दोस्तों, इसके चलते हमको बहुत माफी चाहता है दोस्तों, का फ़ोन का जगह थोड़ा खाली नहीं है दोस्तों, फ़ोन से वीडियो उठाता हूँ दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा कभी रुक रुक जा रहा धीरे धीरे दोस्तों, इसके लिए मैं अभी जाता हूँ। तो अभी तीन ओवर एक साथ कर लेंगे दोस्तों, देख पाएंगे यहाँ से। तो तीन ओवर एक साथ करने के बाद दोस्तों हम लोग खींच लेंगे, तीन ओवर एक साथ दोस्तों निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सब निकाल लेते हैं।
पाएंगे दोस्तों, हम लोग को आवाज़ निकल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को आवाज़ जो आराम से निकल गया था, तो उसके अंदर देखिए दो हम लोग वाशर है दोस्तों। सबसे पहले वाशर को बैठा लेंगे अंदर के, उसके बाद एक स्प्रिंग है दोस्तों, दोनों एक साथ बैठा लेंगे। क्या वो अंदर में प्रेस होगा, फैन कभी कभार जंपर होता है दोस्तों, कभी चलता तो फैन कभी उथल कुछ करता जंपर होता है, उसके चलते स्प्रिंग दिया है दोस्तों। तो स्प्रिंग बैठाने के बाद देख पाएंगे तो हम लोग अभी हम लोग का जो कॉइल है दोस्तों, कॉइल को अंदर में बैठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉल का बैठा लेते हैं। तो वायरिंग तो पहले हम लोग कर लिया दोस्तों, वायरिंग दिखा दिए दोस्तों कैसे अगर बाहर निकल रहा है। तो हम लोग अभी इसके अंदर बैठा लेंगे, बैठने के बाद दोस्तों हम उसको फिट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिट करने के बाद आपको दिखा देंगे। चलिए दोस्तों दिखाते हैं वीडियो। दोस्तों देख पाएंगे हम लोग पूरा सीलिंग पर एकदम फिट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो उसका भी घुमा के चालू करके देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उसको पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी छोटा स्क्रू ड्राइवर के मदद से दोस्तों अंदर फंसा के उसको घुमा के पहले देख लेंगे, कहीं दोस्तों बीच में अटक नहीं रहा था दोस्तों, टेम्परेचर देख लेते हैं। तो अभी घुमा के देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों घुमा रहा फैन दोस्तों, देखिए बीच में अटक रहा है दोस्तों, देख पाएंगे देखिए दोस्तों अटक रहा है बीच में। देखिए दोस्तों मतलब कहीं पर जाम हो रहा है, तो फिर से खोलना पड़ेगा दोस्तों, उसको खोल के दोस्तों दिखा रहा है क्या करना है, जाम हो रहा है दोस्तों। देखिए चलो उसको खोल लेते हैं, फिर से खोल के आपको दिखा रहा है दोस्तों कहाँ पर जाम हो रहा है, चलो उसे खोल लेते हैं। देख पाएंगे दोस्तों खोल लिया, देखिए दोस्तों यहाँ जाम हो रहा है मेरा बाएं साइड में दोस्तों, देखिए अटक रहा है दोस्तों, देख पाएंगे घुमाने की कोशिश कर, देखिए दोस्तों बाएं साइड में अटक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको उल्टा करके दोस्तों लगाएंगे तो सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए उल्टा कर दिया इसको, तो देखिए दोस्तों अभी अटक नहीं रहेगा दोस्तों, पूरा आराम से ईजिली चलेगा। देखिए दोस्तों पूरा ईजिली चल रहा है, देखिए कोई बीच में नहीं अटक रहा दोस्तों, कोई साइड में नहीं लग रहा है। चलिए इसको फिर से लगा देंगे दोस्तों, आपको पूरा वायरिंग करके दोस्तों आपको दिखा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग का वायरिंग हो गया दोस्तों, देख पाएंगे। तो अभी हम लोग का रेड का जो वायर है दोस्तों, हम लोग का डायरेक्ट करंट के अंदर जाएगा, कोई भी लाइन होगा हम लोग का। और जो हम लोग का जो ब्लू कलर का वायर है दोस्तों, दोनों कैपेसिटर के अंदर जाएगा, देख पाएंगे हम लोग कैपेसिटर। तो अब लोग कैपेसिटर पहले आपको चेक करके दिखाएंगे, कैपेसिटर हम लोग अच्छा या ख़राब कैसे चेक करना है। तो अब लोग चलिए इसको चेक करके दिखा रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर आपको दोनों वायर लेना है, दो मिनट या तीन सेकंड के लिए आपको पकड़ के रखना है उसके अंदर आपका कैपेसिटर का। अगर अंदर स्पार होगा तब समझ जाएंगे आपका कैपेसिटर अच्छा होगा, अगर स्पार नहीं होगा तो आपका कैपेसिटर खराब होगा। ठीक है सर, चलो आपको दिखा देना कैसे खराब है, आपको रिज्यूम कर देना, लाइट ऑफ कर लो, अच्छा ना हां फेडे है दोस्तों, लाइट बंद करके आपको दिखा रहा दोस्तों, कोशिश कर रहा आप देख पाएंगे तो लाइट बंद कर रहा कैमरा का दोस्तों। चलिए कैमरा का लाइट बंद करो भाई, देखिए लाइट बंद कर दिया तो आपको दिखा रहा दिखे दोस्तों, तो देख पाएंगे स्पार होगा दोस्तों।
तो देखिए हम लोग कभी दोस्तों अच्छा चेक कर लेते, सबसे पहले वायरिंग कर लेते दोस्तों। वायरिंग पहले बताया था आपका जो रेड वायर होगा दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक के साइड में जाएगा, और हम लोग का जो दोनों ब्लू कलर का वायर है दोस्तों, दोनों कैपेसिटर के अंदर दोस्तों जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों लगाने के बाद आपको दिखाएंगे पंखा किस साइड में घूमेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देख पाएंगे तो चलिए इसको वायरिंग का सब कर लेते, दोनों ब्लू और दोनों रेड, दोनों व्हाइट दोनों एक साथ कर दे, दोनों ब्लू और दोनों व्हाइट एक साथ कर दे के बाद आपको दोस्तों दिखा देंगे तो कैसे करके आपको फैन किस टाइम हुआ। फैन एक्चुअली आपको घूमता है बाएं साइड में दोस्तों, तो बाएं साइड में घूमने से आपका हवा अच्छा रहता है, डाना साइड में घूमेगा तो हवा ऊपर की तरफ रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले उसको चेक कर लेंगे दोनों फैन किस तरफ घूम रहे दोस्तों, उसके बाद उसको अंदर लगाएंगे क्लिप। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं दूसरा फैन का अलग सिस्टम होता है, एक ही बार में दोस्तों सब तरह घूमता है डाने या बाएं तरफ एक साइड में हवा देता है, तो ये वाला फैन के अंदर आपको चेक करना पड़ता है किस तरफ घूम रहा है। तो उसको वायर लगाने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे चेक करके। ठीक है दोस्तों, छोटे वायर लगाने के बाद देख पाएंगे उनको वायर दोस्तों लग गया है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग छोटा दोस्तों देख पाएंगे प्लग है दोस्तों, प्लग लेके आएंगे छोटा हम लोग का प्लग, तो प्लग दोस्तों हम लोग लगा लेंगे उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, प्लग लगाने के बाद आपको दिखाएंगे जो कैसे कर कर करना है। ठीक है दोस्तों, चलो आपको दिखा दे रहा, तो देख पाएंगे दोनों वायर है दोस्तों का, इनमें से कोई वायर को आपको टच करना है इलेक्ट्रिक के साथ तो आपको समझ आएगा दोस्तों कौन सा वायर आपको घुमाना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देख लेंगे, तो हम लोग का वायर लगाने के बाद दोस्तों देख पाएंगे, तो उसके बाद हम लोग का एक छोटा प्लग लेंगे या प्लग लेकर आपको दिखाएंगे जो कैसे करना है इसको। तो देख पाएंगे तो हम लोग का फैन का वायर जैसे लगा लिया है, तो एक तो हम लोग का वायर प्लग के अंदर लगाया डायरेक्ट, एक तो हम लोग वायर बाहर आएगा दोस्तों, तो हम लोग को जो कैपेसिटर बोल रहे दोनों टच करके देखेंगे किस तरफ घूम रहा है। चलिए दोस्तों देख लेते, तो हम लोग का कैमरामैन प्रदीप दोस्तों अभी इसको लगाएंगे, देख पाएंगे हम लोग का प्रदीप, तो हम लोग प्लग तो हाथ में पकड़ लिया दोस्तों, और एक तो हम लोग रेड वायर के साथ दोस्तों लगा लिया, देख पाएंगे दोस्तों हम लोग डायरेक्ट रेड वायर के साथ एक लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग प्लग लगाएंगे, उसके बाद आपको घुमा के दोस्तों दिखाएंगे, तो प्लग लगाने के बाद दोस्तों देख पाएंगे, तो प्लग लगाने के बाद एक तो वायर हम लोग का ब्लैक हम लोग का हाथ में, तो किसी के वायर में टच करेंगे कोई भी रेड का देख पाएंगे, फैन हम लोग का घूम रहा है दोस्तों इस साइड में उल्टा घूम रहा है। अब दूसरा वाला लगा दोस्तों चेक करेंगे, तो सबसे पहले फैन को रोक देते हैं, तो फैन को रोकने के बाद दोस्तों देख पाएंगे तो उसका भी टच करेंगे, देखिए दोस्तों इस साइड में घूम रहा है। तो वीडियो का जरा दोस्तों बोलने का कमेंट करके लाइक करके शेयर करना दोस्तों।